वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, अब आप भी 10 रुपए में कर सकेंगे एसी बसों में सफर। इन जिलों में 1 जनवरी 2024 से आ रही है हरियाणा रोडवेज एसी बसेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी शहरों की लेटेस्ट बसों की अपडेट आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी ये बात सुनते सुनते आपको भी काफी टाइम हो गया हो, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों को लेकर न्यू अपडेट सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि जल्द ही आपके शहर में भी अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इन बसों की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से हो जाएगी। ऐसे में पोल्यूशन से परेशान लोगों को भी काफी हद तक राहत मिलेगी, सस्ता किराया होगा और बहुत ही आरामदायक सफर वो इन बसों में कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। प्रत्येक शहर में कम से कम 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इलेक्ट्रिक बसें 1 जनवरी 2024 से यमुनानगर और पानीपत में चलने लगेंगी। बाद में बसों को रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, हिंसर, अंबाला, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, ये बसें शहर में सिटी सर्विस वाली बसों की तरह चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद सफर को सस्ता और आरामदायक करने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसें शहर में ऑटो टैक्सी के रूट जैसी ही चलेगी और इनका कम से कम किराया 10 रुपए होगा। वहीं इन बसों के चलने से वायु पोल्यूशन को भी कम से कम किया जा सकेगा। अभी कुछ शहरों में हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बसें चलती हैं जिससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक बसें ठीक ठाक चली और इनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी रही तो लोग भी अपने पर्सनल गाड़ियों को छोड़कर इन बसों में ट्रेवल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दोस्तों, हरियाणा परिवहन विभाग के विधान सचिव नवदीप सिंह ने ये बताया है कि 375 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का टेंडर मिल चुका है। अगले 7 महीने में चुने गए शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए बसों के डिपो भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 115 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा चुके हैं और इन बसों के चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे डिपो में, जिससे कि ये बसें चार्ज हो सके। तो दोस्तों, ये थी 1 जनवरी 2024 से चलने वाली हरियाणा रोडवेज की एसी इलेक्ट्रिक बसों की पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।